हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। बॉलीवुड में ड्रग्स का चलन तेजी से बढ़ता जा रहा है और इसका जीता जागता उदाहरण आज हर टीवी चैनल पर, हर अखबार में है। एनसीबी ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है और उस गॉडफादर तक पहुंचने में जुटी है जो बॉलीवुड में ड्रग्स कल्चर को बढ़ा रहा है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर बॉलीवुड में ड्रग्स का चलन इतनी तेजी से कैसे बढ़ता जा रहा है, आखिर क्यों बॉलीवुड उड़ता बॉलीवुड बनता जा रहा है। मेहमानों के साथ आज इसी पर होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। जिस बॉलीवुड में जाने का सपना हर कोई देखता है, जिस बॉलीवुड को सपनों की दुनिया कहा जाता है, वो बॉलीवुड अब नशे को लेकर खबरों में बना हुआ है और उड़ता बॉलीवुड बन चुका है। सुशांत की मर्डर मिस्ट्री को सुलझाते हुए सीबीआई और एनसीबी की टीमें अब बॉलीवुड में फैले उस नशे तक पहुंच गई है जो हर बॉलीवुड सितारों की रगों में खून बनकर दौड़ रहा है। मामला तो रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स कनेक्शन से शुरू हुआ था, लेकिन अब ऐसे ऐसे सितारों के नाम सामने आने लगे हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। ड्रग्स मामले में जेल में बंद रिया चक्रवर्ती ने पूछताछ के दौरान अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत सिंह, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर समेत कई लोगों के नाम लिए थे, जिसके बाद एनसीबी की टीम ने इन सभी को समन जारी कर जांच के लिए बुलाया। इस बीच एक पार्टी का वीडियो भी सामने आया था। वीडियो 2019 का बताया जा रहा है। इस वीडियो की शुरुआत ही दीपिका पादुकोण से होती है। वीडियो में मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर, शाहिद कपूर, विक्की कौशल, रणबीर कपूर जैसे नामी फिल्मी सितारे दिख रहे हैं। वीडियो एक पार्टी का है और हाव भाव बता रहे हैं कि सभी नशे में हैं। इस वीडियो की जांच अब एनसीबी कर रही है, लेकिन वीडियो में जो फिल्मी सितारे दिख रहे हैं वो सभी युवा हैं और ये कहा जा सकता है कि बॉलीवुड का यूथ इस नशे के शिकंजे में ज्यादा जकड़ा हुआ है। बॉलीवुड के ही अंदर के कई लोगों का कहना है कि बॉलीवुड में ड्रग्स का चलन तेजी से बढ़ रहा है। आज का यूथ बॉलीवुड में जाना चाहता है, मगर सक्सेस हो या फिर अनसक्सेस, वो नशे का सहारा ले लेता है। सक्सेस होने के बाद वो खुशी में इस नशे की लत में पड़ जाता है, तो सक्सेस न मिलने के चलते वो मानसिक तनाव में आ जाता है और नशे को अपना साथी बना लेता है, जो दोनों ही सूरतों में न सिर्फ बॉलीवुड के लिए खतरा है बल्कि देश को भी खोखला कर रहा है। इस नशे पर लगाम लगानी बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। क्या यही सच है बॉलीवुड का? बॉलीवुड में ड्रग्स का कनेक्शन कहां तक और किस तौर जुड़ा है, आज हम इसी पर बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ एक बेहद ही शानदार पैनल जुड़ा है जिससे हम मिलवाएंगे उड़ता बॉलीवुड को लेकर। आज हम बात करेंगे कि आखिर इनका गॉडफादर कौन है जो यहाँ पर ड्रग्स की जो चीजें हैं वो ड्रग्स जैसी खतरनाक चीजें फल फूल रही हैं। बॉलीवुड एक्टर हमारे साथ सुरेंद्र पाल सिंह हैं और हमारे साथ मशहूर सिंगर गजेंद्र फोगाट जुड़े हैं। आप दोनों का मैं बहुत स्वागत करती हूँ। एक एक करके दोनों के पास आऊंगी। बॉलीवुड एक्टर से शुरुआत क्यों ना कर ले। सुरेंद्र पाल जी, उड़ता बॉलीवुड बन चुका है क्या? बॉलीवुड जो आपने कहा है कि ये फिल्म बनी थी और जिसके ऊपर ऐसा लग रहा था कि पूरा पंजाब जो है वो उड़ता हुआ दिख रहा है, सिर्फ धुआं धुआं दिख रहा है, पूरी गैंग बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है, मैं ऐसा लग रहा था। लेकिन पूरा पंजाब जो है पूरा उसमें इन्वॉल्व नहीं था। इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में इसका प्रचलन अवश्य है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं है। अगर आप रेशियो पकड़ेंगे तो 80% लोग जो है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर वो लोग बिल्कुल भी अछूते हैं इन चीजों से, लेकिन 20% के लिए आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। जो यंगस्टर्स आजकल आ रहे हैं उनके लिए ये एक फैशन सा बनता चला जा रहा है। यू नो, ड्रग्स का जो प्रचलन है हमारी इंडस्ट्री में शुरू हुआ, ये एक फैशन है। जैसे कि बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज की पार्टी होती है, बड़े बड़े बिजनेसमैन की पार्टी होती है, तो वहां पे ड्रग जो है थाली में रख के परोसी जाती है और की जाती है। दैट इज, और आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये ड्रग्स का जो नशा है ये कोई नशा नहीं है, ये बहुत महंगा नशा है।
और इसको और इस नशे को हर आदमी अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। और इसका प्रचलन की वजह से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं कोई बहुत ज्यादा दुखी नहीं हूं, मैं बल्कि इस बात से बहुत खुश हूं कि ये चीज आज एनसीबी ने एक्सपोज की है, अपनी जांच एजेंसी ने इसको एक्सपोज किया है। और कहीं ना कहीं शिकंजा जो है ड्रग पेडलर्स पे, ड्रग सप्लायर्स पे, पाकिस्तान से आने वाले लोग, चाइना से आने वाले, इन सब के ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। और जिससे कि हमारे हजारों लाखों नवयुवक जो इसके आदि बनते चले जा रहे हैं, पूरे पूरे वाई ओनली बॉलीवुड, बॉलीवुड के बाहर भी बहुत ज्यादा इसका सेवन होता है, तभी तो ड्रग पेडलर्स आजकल मर्सिडीज गाड़ियों में घूम रहे हैं। आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ, ममता कुलकर्णी नाम की हमारे फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्ट्रेस हुआ करती थी, है अभी भी है, लेकिन अब फिल्मों में काम नहीं करती। उनके पति थे विकी, वो करीब 2,000 करोड़ के मालिक थे, 2,000 करोड़ उन्होंने ड्रग्स से कमाया था। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ड्रग्स का जो धंधा है वो बहुत स्केल पे होता है, और ये इसके लिए सबसे ज्यादा नकेल लगाने की जरूरत थी तो प्रशासन को चाहिए थी। प्रशासन अगर इसमें इंटरफेयर करता और कंट्रोल करता तो शायद ये इतना ज्यादा जो अब पनपता हुआ दिख रहा है, घर घर की कहानी जैसा दिख रहा है, ये शायद ना दिखता, ये इतना नहीं दिखता। चले गजेंद्र फोगाट जी, जो हमारी एनसीबी जिस तरह से आ रही है एनसीबी के रोल पर, गजेंद्र फोगाट जी, बॉलीवुड क्यों बनता जा रहा है उड़ता बॉलीवुड? देखिए, सबसे बड़ी इसमें जो कारण है वो ये है कि वन नाइट सक्सेस जो कई बार इसमें होती है, एक फिल्म आई और आप स्टार बन गए, वो सुरेंद्र पाल जी कुछ कह रहे हैं लेकिन शायद मैं आपने उनकी आवाज को साइलेंट कर दिया, या तो उन्हें बताया जाए कि अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। सब पता है, वो शांत है, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जी मैं ये कह रहा था कि एक तो वन नाइट सक्सेस का जो कारण है वो बहुत बड़ा कारण है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, ड्रग्स का कनेक्शन कोई नया नहीं है। हाजी मस्तान, दाऊद इब्राहिम, अबू सलेम जैसे कितने बड़े ड्रग पेडलर हैं, कितने बड़े ड्रग्स सप्लायर और सड़क छाप गुंडे हैं, जिनका पैसा मुंबई की इंडस्ट्री में लगता है, जिनका पैसा फिल्मों की मेकिंग में लगता है, और यही बड़े बड़े स्टार्स उन फिल्मों में नाचते गाते हैं। चोरी चोरी चुपके चुपके एक फिल्म आई थी जिसमें शाहरुख खान और कई बड़े सलमान खान ये स्टार थे, उसके प्रोड्यूसर्स किस तरह से जेल गए थे वो आपको सब पता है। ये सिर्फ इसलिए होता है कि नंबर एक तो जितने भी ड्रग पेडलर्स हैं उनका पैसा लगा होता है बॉलीवुड में, और इसलिए बहुत ही सुलभ और बहुत ही आसान है ड्रग्स की उपलब्धि। आप एक ऐसी जगह पे बैठे हो जहां पे पैसा ही ड्रग पेडलर्स का लग रहा है, तो आपके लिए तो वो बहुत सुलभ है। दूसरा, ये जो माया नगरी है उसकी जो चकाचौंध है वो सहन नहीं होती, और मेंटली आदमी डिस्टर्ब हो जाता है, इसके लिए उसको उसको ड्रग्स की जरूरत पड़ती है। तीसरा, ना वो मेडिटेशन कर रहे हैं, बड़े बड़े स्टार्स के बच्चे हैं, अपने माँ बाप को शराब पीते हुए देखते हैं, माँ बाप के झगड़े देखते हैं, बड़े परिवारों में पले नहीं बड़े हैं सब। आप देखिए ना, क्या टाइम था जब राज कपूर साहब की पूरी फैमिली पृथ्वीराज कपूर साहब के साथ रहते थे, तीनों भाई और उनके बच्चे। आज ऋषि कपूर को यह बयान देना पड़ा कि रणबीर कपूर मेरे साथ नहीं रहते हैं, वो अलग रहते हैं। आज आलिया भट्ट महेश भट्ट के साथ नहीं रहती हैं, वो अलग रहती हैं कहीं। एक ही शहर में क्या कोई एक्सपेक्ट कर सकता है? मैं आज भी अपनी माँ के साथ रहता हूं, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि मैं एक शहर में रहूंगा और मेरी माँ कहीं और रहेगी और मैं कहीं और रहूंगा। ऐसा क्या करते हो भाई तुम कि तुम्हें अपने माँ बाप से दूर रहना पड़ता है? संस्कारों की कमी, बहुत ज्यादा पैसा एकदम से आने से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, उन्हें लगता है कि ये पैसा हम कमा रहे हैं, जबकि वो अपने बड़ों के आशीर्वाद, संस्कार और मेहनत से आया होता है, लेकिन उनका दिमाग खराब हो जाता है, तब ड्रग्स की सहायता की जरूरत पड़ती है। बचा पाते आप ये कह रहे हैं, स्टारडम नहीं बचा पाते, बहुत बड़ा कारण है, और ड्रग पेडलर्स का पैसा लगा होना फिल्मों में।
ठीक है, सुरेंद्र पाल सिंह ने गजेंद्र जी ये कहा अभी कि केवल 20% लोग हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा बॉलीवुड इस ड्रग्स के जाल में कहीं फंसा हुआ है, केवल 20% लोग हैं, इससे डिनाई भी नहीं किया जा सकता है। आपको लगता है कि इतनी कम संख्या है, क्योंकि हम कुछ चुनिंदा दिनों में देख रहे हैं कि 500 और उससे भी कहीं ज्यादा नाम सामने आ गए और नाम आने की भी संभावना है। गजेंद्र जी, नहीं 20% तो मैंने शायद नहीं कहा मेरे ख्याल से, बट मैं ये कह रहा हूँ, आपने सिर्फ रीजन पूछा था, वो रीजन मैंने बताया था। सर मैंने आपसे सवाल ये किया कि बड़े भाई साहब हमारे, गजेंद्र जी हमारे साथ पैनल में एक और मेहमान हैं, उन्होंने कहा कि केवल 20% लोग हैं, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन 80% साफ सुथरे लोग भी हैं बॉलीवुड में। आपको लगता है क्या, जैसे कि सर कह रहे हैं कि केवल 20% लोग ही ड्रग्स के जाल में फंसे हैं? देखिए मुझे परसेंटेज का इतना एग्जैक्ट मैं इसलिए नहीं बता सकता कि मैं बॉलीवुड में फ्रीक्वेंटली जाता रहता हूँ, वैसे वहां रहा भी हूँ, इंडिया के पहले रियलिटी शो का फाइनलिस्ट रहा मैं 99 में। उन दिनों मैंने एक चीज देखी, मैंने कई ऐसे बड़े स्टार्स देखे बॉलीवुड के जो मेरी आंखों के सामने नशा लेते थे, और वो नशा शराब नहीं था। मतलब हमारे अंदर तो ये संस्कार है कि मैं बॉलीवुड में रहते हुए भी शराब को तो फ्रीक्वेंटली बोल लेता हूँ, लेकिन जो नशे बॉलीवुड इस समय कर रहा है वो बोलते हुए भी शर्म आती है हमें। और मैंने बहुत बड़े बड़े स्टार्स को उस समय 99 में, व्हेन आई वाज इन मुंबई इन मेलाड, और हम महालक्ष्मी में शूटिंग करते थे, तो महालक्ष्मी स्टूडियो में आके वो लोग नशा करते थे, बड़े स्टार्स। एक तो उनमें से दिवंगत हो चुके, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बहुत बड़े स्टार्स आपने देखा है, और वहां पे आके वो नशा करते थे। क्यों जी? जी मैंने खुद देखा है, तो मेरे इतने दिनों से ये मामला चल रहा है, इससे पहले गजेंद्र बोले नहीं आप। क्या बोले साहब, किसको बोले आप बताइए ना, और जो बोला उनका तो घर टूट गया भाई, मुझे अपना घर तोड़वाना है क्या? डर लगता है मतलब कहीं ना कहीं, हाँ ड्रग माफिया से डरते हैं? बात डर की नहीं है, बात ये है कि विरोध करने से डरते हैं, हो चुकी है अनामिका, बात डर की नहीं है अनामिका, बात व्यवस्था खराब होने की है। वहां पे आप ये देख रहे हैं, दाऊद इब्राहिम जैसे लोग वहां फिल्म मेकिंग कर रहे हैं, संजय दत्त के ऊपर फिल्म बनती है, तो उन्हें उन्हें ड्रग लेने वाला हीरो दिखाया जाता है, लेकिन फिल्म में ये कोशिश होती है कि उनको ड्रग लेने का एक जायज रीजन देके कि उनकी मदर की डेथ हो गई। भैया मेरे भी फादर साहब चले गए 10 साल पहले, मैं तो ड्रग नहीं लेता, ये क्या रीजन दिखा रहे हैं? मैं आऊंगी ऐसे पॉइंट पर, या फिर हम क्या शिक्षा दे रहे हैं? ठीक है, नाच रहा है अनामिका। हाँ बिल्कुल, सुरेंद्र पाल जी मैं इसी पर आ रही थी। देखिए हम एक्टर एक्ट्रेस के हेयर स्टाइल कॉपी करते हैं, आज से नहीं हो रहा, अमित जी और उनसे पहले से हो रहा है कि कैसे बाल रखने लगेगा यूथ, चाहे वो युवा हो या युवतियां भी। साधना कट कितना फेमस हो गया, हेयर स्टाइल को लेकर या फिर पहनावे को लेकर, मेकअप को लेकर जो यूथ है वो इन सितारों को फॉलो करते हैं। अब जो ये ड्रग रैकेट वाली बात आ रही है, ये जो ड्रग लीला आ रही है बॉलीवुड से सामने, अगर इसे युवाओं ने फॉलो करना शुरू कर दिया, हम क्या सीख दे रहे हैं, ये सितारे क्या सिखा रहे हैं युवाओं को? जी अनामिका जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हम जो हैं कलाकारों को रोल मॉडल के रूप में लेते हैं, हमारे जो आम जिंदगी में जो लोग हैं वो उन्हें हीरो मानते हैं, अपना हीरो मानते हैं, रोल मॉडल मानते हैं, उनके उनको उनके उनके हर चाल चलन को वो लोग फॉलो करते हैं। और मेरे ख्याल से हजारों लाखों की संख्या में होंगे आज दीपिका पादुकोण का, अगर आप सोशल नहीं, अनगिनत अनगिनत फैंस हैं दीपिका के, अनगिनत लोग हैं, अनगिनत लोग हैं, वो लोग रोल मॉडल अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो उनके उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके ऊपर कितना गंदा असर पड़ता है इन चीजों का। कहीं ना कहीं कलाकारों को ये चाहिए कि अपनी मर्यादा को कभी भी क्रॉस ना करें, जो लिमिटेशंस हैं उसमें ही रहें और उसके उसके बाहर ना निकलें। इस तरह जो गलत तरह का, आपको एक चीज बताना चाहूंगा मैं कि ये जो नशा होता है ये बहुत बुरी तरह से आदमी को अगर एक बार पड़ जाए तो वो फिर सारी जिंदगी नहीं छूटता है। संजय दत्त इसका बहुत बड़ा उदाहरण है आपके सामने, इतने बड़े स्टार थे सुनील दत्त साहब, उनको जर्मनी लेके गए, अमेरिका लेके गए, कहां कहां नहीं इलाज कराता रहा, उनकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता था, उनकी उनके डायलॉग डिलीवरी में बहुत ज्यादा फर्क आ गया था,
और आपने ये भी देखा होगा कि ड्रग जो है मानसिक तौर पर ये बहुत ज्यादा आपको तोड़ देती है, ग्रसित कर देती है। मानसिक तौर पे आप अपनी सोच को भूलने लगते हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत खराब हो जाती है, आप नशे में रहते हैं सारे टाइम, आपको नींद आती रहती है। तो दीज आर नॉट अ गुड साइन, और ये एक तरह से जो पॉइजन है आदमी को मारने के लिए। सुशांत राजपूत वाले केस में भी मैं आपको यही बताऊंगा कि कहीं ना कहीं ड्रग्स जो दी गई हैं उनको, जिसकी वजह से उनका जो दिमाग है वो सोच थी वो उनकी खत्म हो गई थी, और इसके लिए उन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और दूसरी बात, मेरे मित्र जो कह रहे थे कि हमारे बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का बहुत ज्यादा पैसा लगा हुआ है, तो इस बात से मैं टोटली डिनाई करता हूँ। ठीक है, एक दो फिल्म यदा कदा आप कह सकते हैं जिसमें बॉलीवुड का पैसा लगा हो, लेकिन रमेश सिप्पी, बीआर चोपड़ा, यश चोपड़ा, करण जौहर और बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं और बहुत करीब 600 सीरियल बनते हैं बॉलीवुड के अंदर। 600 में कोई दाऊद का पैसा नहीं है, दाऊद इतना बड़ा आदमी नहीं है कि 600 सीरियल्स को कोई फीट कर सके। चले छोड़े, पैसे पे नहीं, अभी ड्रग पे ही आ जाते हैं। सुरेंद्र पाल जी, गजेंद्र फोगाट ने कई रीजन भी गिना है, कई रीजन भी गिना है कि परिवार से दूर रहना, वो संस्कार नहीं मिल पाते, परिवार को कुछ नहीं समझते, थोड़ी सी जीत मिलती है, थोड़ा सा स्टारडम मिलता है, वो पचा नहीं पाते और वो ड्रग्स के आदि हो जाते हैं। तो अगर ज्यादा खुश है तो भी ड्रग लेना है, दुखी है तो भी ड्रग लेना है, क्या ये वो सारे रीजन है कि बॉलीवुड जो है ड्रग के जाल में फंसता जा रहा है सुरेंद्र जी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये सारे रीजन। तो क्या वजह सुरेंद्र पाल सिंह को नजर आता है? फैशन, अनामिका जी, ये फैशन उसी तरह से हुआ है जैसे मैं आपको छोटा सा किस्सा बताता हूँ कि 90s का जब टाइम चल रहा था, जब मेरी महाभारत टेलीकास्ट हुई थी 88-89 की बात बता रहा हूँ, जब 90s में का एक फैशन चला था फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कि हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े कलाकार थे वो सारे के सारे भाई के पास दुबई जाते थे, ये एक फैशन था। और भाई जब वहां पे शारजा में आईपीएल मैच चल रहा था तो वहां पे उनके केबिन में जा जाके बैठते थे और फोटो खिंचाते थे और उनके साथ वो लोग शेयरिंग करते थे, और ये जो चीज था ये एक फैशन हो गया था, वहां से बैठ के फोन करना, मैं भाई के साथ हूँ, मैं भाई के साथ, एक फैशन था जैसा हो गया था। ऐसा नहीं था कि वो लोग फ्रस्ट्रेटेड थे या घर से भाग कर आए हुए थे, ऐसे नहीं थे, वो एक फैशन माना जाता था उस चीज को। लेकिन जब उन्हें पता लगा कि जब कीचड़ में ढेला मारोगे तो कीचड़ तुम्हारे ऊपर भी आएगा, और जब कई बम ब्लास्ट वगैरह हुए और जब उसमें से फिल्म एक्टर्स पकड़े जाने लगे और उनके पर शिकंजा प्रशासन का पड़ने लगा, तब वो भागने लगे इधर उधर और अपना नाम को बचाने लगे और सेविंग करने, क्योंकि फिल्म लाइन के जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं वो बड़े रसूखदार लोग होते हैं, कहीं ना कहीं से अपने आप को बचा ही लेते हैं। लेकिन अब जो बॉलीवुड में जो ये ड्रग्स का जो प्रचलन चल रहा है ये फैशन की तरह से शुरू हुआ, अरे भाई इसको खाने से बॉडी में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन केवल फैशन के नाम पर इसे नहीं छोड़ा जा सकता, ये सभी पढ़े लिखे सितारे हैं, ये सभी पढ़े लिखे सितारे हैं, कानून को धत्ता समझते हैं, क्या ये इन्होंने समझ के रखा हुआ है कानून को, कानून को इन्होंने ठेके में रखा हुआ है। इतने बड़े बड़े सितारे, अगर आज इतने बड़े बड़े सितारों पर कानून का शिकंजा कसा जाएगा तो हमारे हजारों लाखों जो नवयुवक हैं हिंदुस्तान के अंदर जो ड्रग्स का नशा वगैरह करते हैं उनको भी ये पता लगेगा कि भैया बड़े बड़े एक्टर भी जब नहीं बचे हैं इस शिकंजे से तो हम भी नहीं बच सकते हैं, हमें भी जेल की हवा खाना पड़ेगा, और ये हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक चीज है, स्ट्रोक वजन है, और हमें धीरे धीरे ये मार देगा, खत्म कर देगा। और इसके बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल है, वाई ओनली दीज गर्ल्स, अरे हनी सिंह का भी नाम इसमें था, फरदीन खान, फिरोज खान के बेटे साहब का भी इसमें नाम था, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो जांच अभी रुकी नहीं है, एक एक करके सबको समझ जा रहा है, एक एक करके सबको समझ जा रहा है। गजेंद्र फोगाट क्या सिखा रहे हैं? आ रही सुरेंद्र जी, गजेंद्र फोगाट, ये सितारे हमारे युवाओं को आखिर क्या सीख दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, ये एक सवाल। एक सवाल इसके साथ ही पूछ लेती हूँ सर, क्या एनसीबी की ये कार्रवाई जो ड्रग पैडलर को लेकर और बॉलीवुड में ड्रग कनेक्शन को लेकर हो रही है, बॉलीवुड में एक तरह से पारदर्शिता की शुरुआत है? जी बिल्कुल सही कहा, नौ महीने पहले, जैसे कि आपके स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है कि नौ महीने पहले करण जौहर के घर पे पार्टी होती है, मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर, शाहिद कपूर, अरुण धवन, रणबीर कपूर के अलावा और बहुत से उसमें एक्टर्स
जो सारे युवा हैं, से शुरू होता है जो सारे अभी अभी स्टार हैं, और वो लोग वहां पे ड्रग्स लेते हुए दिखाई देते हैं 9 महीने पहले। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये सारी इंक्वायरी जिस समय ये वीडियो आया था, अगर उस समय महाराष्ट्र पुलिस दबिश देती, महाराष्ट्र की एनसीबी का डिपार्टमेंट, नारकोटिक ब्यूरो और सीआईडी या और आईबी वगैरह इस पे थोड़ा सा काम कर लेते, तो आज सुशांत सिंह राजपूत हमारे भी जिंदा होता। ये सारा बखेड़ा इसीलिए हुआ है, लापरवाही। और दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा कि भाई युवाओं को ये क्या संदेश दे रहे, ये क्या संदेश देगी युवाओं को जो अपने माँ बाप के साथ नहीं रह पाते हैं, जो मलाइका अरोड़ा अपने जवान बेटे को छोड़ के अर्जुन कपूर के साथ रह रही है सलमान खान की भाभी, वो क्या क्या संदेश देगी, वो संस्कार उसको आप क्या लगाते हो कि उसको देवी माँ दिखाएंगे हम फिल्मों में? नहीं, चलिए अभी वो सलमान की भाभी है नहीं, देने के लिए यहाँ अभी वो सलमान की भाभी है नहीं, और ये उनका अपना पर्सनल मैटर है कि वो डिवोर्स के बाद कहाँ जाती है कहाँ नहीं, उसे लेकर अलग ट्रैक पे चले जाएंगे हम। सुरेंद्र पाल जी बहुत छोटा सा कॉमेंट, क्या एनसीबी की ये कार्रवाई बॉलीवुड में पारदर्शिता की शुरुआत है? जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, एनसीबी जो आज कार्य कर रही है वो बहुत सराहनीय कार्य कर रही है, और इसमें महाराष्ट्र की सरकार को, महाराष्ट्र की प्रशासन को, पुलिस को सहयोग देना चाहिए, ना कि क्रिटिसाइज करना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही आपने, आप दोनों का मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ वक्त देने के लिए और इस समय बातचीत के लिए। तो बॉलीवुड क्यों उड़ता बॉलीवुड बन गया, और अब क्या इसके ड्रग वाले जो पर हैं वो काट दिए जाएंगे? एनसीबी की कार्रवाई तो कुछ इसी ओर इशारा करती है। यही रुकेंगे, देखते रहिए हरियाणा न्यूज, नमस्कार।